क्या अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस मिलती रहती थी। और शायद से यही एक फायदा है सदाघर सब्सक्राइब करने का कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो हमें उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। क्या बात है, आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो रिक्वेस्ट कहिए या जो भी समझिए, पर कर लीजिए सब्सक्राइब इस बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदाघर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अपने कस्टमर सौदाघर के एक व्यूअर, जो कि सौदाघर के वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर आप कह सकते हैं, और ये NRI हैं, दुबई में काम करते हैं, बिग फोर में काम करते हैं, कंपनी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते कुछ कारणों से। तो आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर मयंक अग्रवाल से और मिसेस प्रतीक्षा मैम से। और जब हमारी इनसे बात चालू हुई थी तब आप 3 सदस्य थे फैमिली में, माता पिता जी को जोड़ा जाए तो अलग है, लेकिन आपके फैमिली में 3 लोग थे और अब हो चुके हैं 4 सदस्य। तो आइए आपको सबसे पहले मिलवा देते हैं मयंक सर से और प्रतीक्षा मैम से, और आज एक बार हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका पूरा जर्नी कैसे रहा, किस तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टी को फाइनल किया, क्या क्या समस्याएं आई, उसे कैसे झेला, कैसे ख़त्म किया, जिससे आपको भी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल पाए और आप बाहर बैठ के भी बीइंग NRI आप अपना डिसीजन कैसे आसानी से और किन किन समस्याओं को आप एक तरीके से हटा सकते हैं, उन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार कुछ नई जानकारियां मिलती रहें और आपका प्रोत्साहन हमें हमारे तक पहुंचता रहे। तो मैं सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहली चीज़ कि आप लोगों ने जिस तरीके से एक प्रोत्साहन दिया है, हमारी आपकी लगातार फ़ोन पर काफ़ी चर्चाएँ होती रहीं, मुझे लगता है अप्रैल के महीने से आज 2019 तो लगभग 1 साल होने जा रहा है, और इस बीच जो है एक तरीके से मैं कहूँगा आप दूर रह के भी, मतलब हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन जो प्रोत्साहन मिला वो अनमैचेबल है। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत चीज़ें आपने सिखाई भी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपकी जर्नी कैसी रही ये इन्वेस्टमेंट में। ऑब्वियसली आपने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट पहले भी किया हुआ है, पर इसमें क्या कुछ खास रहा, और मैम आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मैं लेना चाहूँगा कि आपके लिए क्या मायने रखता है, हर वो गृहलक्ष्मी क्या चीज़ें चाहती हैं जो शायद आप ना सोच पाते हों, और आपका क्या कैलकुलेशन है शायद आप ना सोच पाती हों, तो ये सारी चर्चाएं करेंगे। पहले शुरू करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट आपने क्यों किया, क्या था ये इन्वेस्टमेंट, था रहने के लिए था, क्या आपके दिमाग में क्या आया? देखिए क्या होता है कि बीइंग एन NRI कस्टमर, डेफिनेटली इफ आई से दैट ये हमारे रहने के लिए इन्वेस्टमेंट है तो विल बी रॉन्ग, बिकॉज एज एन NRI वी डोंट नो दैट हम लोग कितने समय तक बाहर रहेंगे जी। तो अभी तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस शॉर्ट पीरियड, अगर आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म आई मीन 3 से 4 साल में, तो ये मेरा मोर इज ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पज जी। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब हम रिटर्न बैक करें तो हो सकता है इसको अपने सेल्फ यूज में भी लाएं। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा अभी तो एज ऑफ नाउ इट इज़ मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब प्रॉपर्टी गेन या उस पे रेंटल यील्ड, आपके आपके हिसाब से, क्योंकि मैं बताना भूल गया व्यूअर्स, मैं बीच में रोक रहा हूँ, आप CA हैं तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, तो उस विषय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप मुझे बताइए आपके दिमाग में कौन सा कैलकुलेशन आया कि इन्वेस्टमेंट सबके लिए अलग अलग होता है, कई लोगों के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में, कई लोगों के लिए रेंटल कहाँ पे कितना आएगा, तो आपका क्या कैलकुलेशन था? देखिए मेरा मानना ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। ओके, तो मैं पर्सनली अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में करता हूँ, जैसे कि मेरा कुछ पोर्शन जो होता है वो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में होता है, कुछ होता है जो कि गोल्ड में होता है, कुछ शेयर्स में होता है, म्यूचुअल फंड में होता है, और प्लस रियल एस्टेट में भी होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस वॉज पार्ट ऑफ माई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो उस पर्पज से हमने इन्वेस्ट किया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा जो मेन चीज़ में हमने कंसिडरेशन दिया वो ये चीज़ का दिया कि वी वर मोर फोकस्ड ऑन Tier 2 सिटीज लाइक पुणे, हैदराबाद, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ मेट्रो सिटी। ओके, सो दैट वॉज द मेन रीजन विच ब्रॉट मी टू पुणे सिटी। ओके, बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पुणे से तो बिलोंग करता नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं ये भी बता दूँ, मतलब सर ने याद भी दिला दिया कि हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, लगभग 8-9 महीने बीत चुके हैं,
और इन्होंने यूनिट अपना फाइनलाइजेशन भी कर लिया, पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर लिया, लेकिन पहली बार ये आ रहे हैं पुणे, पहली बार ये वो सोसाइटी को देखेंगे। मैम मुझे एक चीज़ बताइए कि ये सब कुछ होते हुए आपने कभी रोका टोका, जैसे होता नहीं कि आप अभी यहाँ बैठे हो वहाँ आप डिसीजन ले रहे हो, ऐसा कुछ आपने बोला या फिर आपके दिमाग में नहीं आया? जब शुरू में इन्होंने ये सब फाइनलाइज करना जब स्टार्ट कर ही दिया कि अब फाइनल कर रहे हैं, तो मेरा यही था पॉइंट कि लेट्स गो एंड सी फर्स्ट कि एक्चुअल में कैसा है, कैसे लोकेशन क्या होगा, फ्लैट का स्ट्रक्चर क्या होगा, फर्स्ट जाके देखो फिर फाइनल करो, बिकॉज पेमेंट देना इतना चुटकियों वाला काम नहीं है, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन जब आप इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो। यस, बट द कॉन्फिडेंस इन द बिल्डर इन यू एंड द लोकेशन वो बहुत ज़्यादा था, और इट वॉज लाइक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था हम लोग के लिए, बीइंग देयर इट वॉज लाइक कि हम लोग ले सकते हैं ये डिसीजन, वहाँ पे रह के हमने सोचा कि नहीं सही डिसीजन जा रहा है, तो फिर हमने ठीक है फाइनल कर सकते हैं। क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बीइंग एन NRI कस्टमर जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है जी, वो होता है आपका लोकेशन, मीन्स आप कहीं दूर बैठे हुए हैं और आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं फिजिकली आप वहाँ पे हैं नहीं, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे जो लोकल है वो ऑन अ वीकेंड और ऑन अ हॉलीडे दे कैन गो एंड डू मल्टीपल साइट विजिट, दे कैन मीट द बिल्डर एंड ऑल दैट, बट बीइंग एन NRI कस्टमर वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं होती कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली आके जगह को देख सकें, या जैसे हमने फर्स्ट ट्रिप किया हमें नहीं जमा जगह तो हम सेकेंड विजिट दे सकें, वो हमारे पास नहीं होता, जो आपको जमीन की सही हकीकत आपको वहाँ पे बैठ के दूर बैठ के बता सके जी। और वो एक चीज मुझे आपके चैनल में खासकर सबसे अच्छी लगी, और जो मैं हमेशा चीज़ को अप्रिशिएट भी किया है, और आपसे जब मिला तो मैंने आपको भी बोला कि आपके वीडियोस को देखकर हमको ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है इसकी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत बड़ा अप्रिशिएशन हमारे लिए, प्रमोशन भी हो रहा है। तो क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊँ इसको भी, अगर अपन मैं अभी अपने रियल लाइफ उससे बोलूँ कि आज जब हम लोग यहाँ पुणे में घूम रहे हैं, इस एरिया में घूम रहे हैं, तो हमको कुछ भी नया नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग पुणे में एक्चुअली बहुत फ्रीक्वेंट विजिटर नहीं है, और शायद से अगर मेरे लिए बोलना गलत नहीं होगा कि आई एम विजिटिंग पुणे आफ्टर 8 इयर्स। अच्छा, तो मतलब लेकिन उसके बाद भी हम वहाँ दूर रह के भी ऐसा लगेगा कि हम पुणे से दूर हैं, क्योंकि आपके जब वीडियो देखते थे तो हमारे लिए पल पल क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या नया आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस मिलती रहती थी। और शायद से ये एक फायदा है सौदागर सब्सक्राइब करने का कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो हमें उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। क्या बात है, आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो रिक्वेस्ट कहिए या जो भी समझिए पर कर लीजिए सब्सक्राइब इस बार। अच्छा मैम, जैसा सर ने कन्वर्सेशन में कई बार बताया था कि आप 6-7 साल पहले पुणे में रह चुकी हैं, शायद सर को उतना नहीं पता होगा पुणे के बारे में जितना आपको पता होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे काम किया डिफरेंट कंपनीज में, कॉग्निजेंट वगैरह में भी शायद आपने काम किया, IBM में काम किया आपने, जैसा बताया येरवड़ा में काम किया आपने अगर मैं गलत नहीं हूँ, और कॉग्निजेंट में आप शायद आपने बताया हिंजौड़ी में आपने काम किया, तो क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम, पुणे कैसा था, आज कैसा लगे, थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे यहाँ पे बार्कलेस आया जहाँ पे अपना ऑफिस है खराड़ी में हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ आसपास दोस्तों आपको बताता चलो ये पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का हब है, और काफ़ी वीडियोज में बता भी चुका हूँ, जैसे बार्कलेस है, नॉर्दर्न ट्रस्ट तो हमारे सामने ही दिख रहा है, क्रेडिट स्विस है, UBS है, तो मैम ने भी यहाँ पे काम किया है, और तब में अब में क्या फ़र्क है, एक बार रियल जानने की कोशिश करते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या उस टाइम पे क्या था, आज क्या फ़र्क आपके नज़रिए से लगता है? पहले तो खराड़ी बस एक गांव था। अच्छा, एक्चुअली ओके, और कब की बात बता रही हैं आप, ये ईयर की? 8 साल हो गए, 8 साल मतलब 2012 के आसपास। तो बट डेवलपिंग था डेफिनेटली, थोड़े बिल्डर्स आ चुके थे ऑलरेडी और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका था, और शायद ION IT Park ION फेज 1 था उस टाइम। हाँ, बहुत छोटा सा था बट ज़्यादा था जिनसार और ION फेज 1। हाँ,
तो मुझे कभी इतना सोचा नहीं था कि ये इतना डेवलप हो जाएगा, कि यहाँ पे इतना बड़ा हब बन जाएगा और हाँ इतनी सारी कंपनीज आके यहाँ पे अपना ऑफिस खोल लेंगे। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है डेवलपमेंट वाइज, कंस्ट्रक्शन मतलब रेजिडेंशियल कितने बिल्डिंग्स आ चुके हैं, ऑफिस आ चुके हैं इतने सारे। तो आप अभी वहां से बैठ के जो आपके मन में एक दुविधा थी कि जाके देखना चाहिए, वो आने के बाद कुछ ऐसा लग रहा नहीं ठीक है, ओके एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव बिकॉज़ इतने सारे ऑफिसेज यहां पे खुल चुके हैं कि अगर आप यहां पे ले रहे हो तो आप लॉस में नहीं जाओगे कभी भी, ये तो एक डेफिनेट थिंग है। मैं देखिए अभी ये आगे नविका जी हैं, ये जब सर से बात हुई थी तो ये तीसरी सदस्य जिनका मैंने जिक्र किया, और अभी एक जो नए सदस्य जुड़े हैं वो हैं सात्विक जी, उनका नाम सात्विक है, सात्विक अग्रवाल, तो उनका भी बीच में एक फुटेज हम लोग डाल देंगे जिससे आप लोग भी देख लें। तो जी बिल्कुल, जो आप बता रही थी मैम थोड़ा सा और बताएं आप बाकी जगह पे जब आपको मेजर चेंजेस क्या लगा अभी? मेजर चेंजेस रोड्स बहुत अच्छे बन चुके हैं। ओके, उस टाइम के मुकाबले अगर उस टाइम मेरे ख्याल से बस एक बाईपास रोड था और बाकी सारे कच्चे रोड होंगे, मैंने ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया था, बट इतना नहीं था तो बहुत अच्छे बड़े रोड्स बन चुके हैं, वाइड रोड्स हैं और बिल्डिंग बहुत सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफिसेज सारा कुछ बहुत अच्छा हो चुका है। अच्छा सर मैं आपको फिर से एक बार चर्चा में लाऊंगा, एक चीज बताइए बड़ा टेक्निकल चीज पूछ रहा हूँ आपसे, आप दुबई में बैठे हैं, आपने वहाँ से इन्वेस्टमेंट का प्लान किया, ऐसे बहुत सारे NRI हैं जो अलग अलग देशों में हैं और ऑब्वियसली उनके कॉल रेगुलर मुझे आते रहते हैं, बहुत से लोग सलाह भी लेते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए, कौन सा साइज लिया जाए, तो आप थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए खासकर व्यूअर के लिए, हमारे व्यूअर के लिए, कि उनको ये पता चले कि आप जब बाहर बैठे हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए और बिना वो ध्यान में रखे आप इन्वेस्टमेंट की तरफ मत बढ़िए, और वो पहला स्टेप हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे फाइनलाइजेशन के टाइम पे या फिर मोड ऑफ पेमेंट कैसा हो, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करें क्योंकि आप CA भी हैं, कैलकुलेशन टर्म पे भी बताइए और वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, थोड़ा सा एलोबोरेट अगर कर सकते। देखिए पहले चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरा नॉलेज है उस बेस पे कि आई पर्सनली फील दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑल द NRIs कस्टमर टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बोलूंगा कि एक तो उनको आज की तारीख में जो एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस का जो बेनिफिट मिल रहा है जी, राइट नाउ इंडियन रुपी इज ऑल टाइम लो कंपेयर टू डॉलर, तो उन लोगों को जो एक बेनिफिट मिलता है इंटर करेंसी का वो एक बेनिफिट मिल रहा है। सेकंड थिंग क्या है कि जो मार्केट है इट इज रियल एस्टेट मार्केट इज ऑल टाइम लो। अच्छा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो बिल्डर्स ने प्राइजेस को ड्रास्टिकली ड्रॉप किया है, बट उन्होंने सिग्निफिकेंटली प्राइसेस को बढ़ाया भी नहीं है। अच्छा, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन नेगोशिएट विद द वेंडर विद द रियल एस्टेट बिल्डर, आप उनसे डेफिनेटली वो आपको चीजें रेट कम नहीं करेंगे, आजकल मोस्टली बिल्डर्स रेट कम नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन नेगोशिएट अदर टर्म्स विद देम, जैसे कि आप उनसे और दूसरे बेनिफिट्स, जैसे कि आप उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है डिस्कशन, उसके बाद जो पार्किंग स्पेस है उस पर डिस्कशन, या जो पेमेंट टर्म्स है पेमेंट प्लान है उस पर आप काफी अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं, और आप अपना जो फाइनेंसिंग लोन फाइनेंसिंग करा रहे हैं तो उस पर आप अपने जो इंटरेस्ट अमाउंट हुआ है वो बचा सकते हैं। तो इन ऑल फॉर एज एन इन्वेस्टर और एज अ पर्सन अगर मुझे कहीं भी एक मनी का आउटफ्लो रोकने का मौका मिल रहा है, फॉर मी इट्स अ सेविंग। अगर सपोज करिए मैंने बिल्डर से डिस्कस किया और मैंने जो अपना पेमेंट साइकिल है उसको थोड़ा और बढ़ा दिया, नियर टू पोजेशन कर दिया जी, तो जो मुझे 5 से 6 महीने का गैप मिलेगा तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो मेरे लिए सेविंग है। तो एक्चुअली मुझे बिल्डर ने डिस्काउंट नहीं दिया कुछ, लेकिन मैंने वहां पे सेव कर लिया। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ बिल्डर से ही, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ इस चीज पे स्टेप्स देते हैं कि मुझे ओवरऑल पैकेज में क्या आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप मुझे बेस प्राइस में क्या डिस्काउंट दे रहे हो, बट आप जब उसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन निकालते हैं जिसमें कि आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पोर्शन होता है, तो आप जैसे कि जो बिल्डर को पेमेंट कर रहे हैं प्लस बिल्डर आपसे बहुत सारे अदर चार्जेस लेता है जैसे मेंटेनेंस वगैरह, तो आप निगोशिएट करके उसे बोल सकते हैं कि भाई हमारे प्राइस आप कम मत करिए, बट इन सेम प्राइस यू इंक्लूड द मेंटेनेंस फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स एग्जांपल। सो दीज आर डिफरेंट निगोशिएशन टैक्टिक्स, और लोन डिसबर्समेंट जितना डिले कर सके तो, और उसमें भी आप जैसे कि मोस्टली आप कोशिश कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं जो पेमेंट लिंक प्लान है
तो जो इंस्टॉलमेंट है जो हम उनको पे कर रहे हैं वो मोस्टली एट द एंड ऑफ नियर टू पोजेशन हो. अच्छा, तो उससे क्या होगा कि आपको जब पोजेशन मिल रहा होगा तभी से आपके नियर बाय डेट से आपका इंटरेस्ट अमाउंट चालू होगा. तो उस पीरियड में काफी अमाउंट आप सेव कर चुके सेव कर सकते हैं. तो उसमें मतलब आपने बिल्डर से प्राइस में कोई नेगोशिएशन नहीं किया बट आपको अदर फैक्टर्स पे आपका कॉस्ट बच गया. नेगोशिएट नहीं किया इन द सेंस कि कन्वेंशनल जो नेगोशिएशन है वो तो हो गया, उसके बाद ये एडिशनल बेनिफिट आप ले पा रहे. और ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है क्योंकि आप दूर बैठे हैं, इतनी बार आप विजिट नहीं कर सकते, इतना डिस्कस नहीं कर सकते फिर. करेक्ट, तो उसके लिए भी ये बेनिफिट है कि भाई आपके पास हमेशा एक भरोसेमंद पार्टनर होना चाहिए. देखिए मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ आप मेरा नाम लीजिए पर फिर भी लोगों का सॉल्व है. हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब मैं किसी भरोसेमंद पार्टनर की बात कर रहा हूँ तो आपको उस बंदे पे भरोसा होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू बी अ ट्रस्टेड पार्टनर. ट्रू, तो वो अगर आपका समझ लीजिए ब्रोकर है, वो आपसे ईमानदार है, वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो आप डील कभी क्लोज नहीं कर पाएंगे. आपको हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ इस डील में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेरा फेरी है. तो ये बहुत जरूरी है कि जो जिस बंदे के साथ आप जो आपका मिडिल मैन है यू शुड ट्रस्ट हिम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर नहीं ट्रस्ट है तो यू चेंज इट. सो ये तो ऑप्शन है, हर बायर के पास ये ऑप्शन जरूर है कि आप जो आपके चैनल पार्टनर कह लीजिए, ब्रोकर कह लीजिए या कोई भी ऐसा मिडिल मैन जो आपकी हेल्प कर रहा है, आप पहले ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए. वो कोई भी हो सकता है, मार्केट में बहुत से अच्छे लोग हैं, आप उनका चुनाव करिए और फिर आप उन पर ट्रस्ट करिए और वो जो कह रहे हैं उन चीजों को आप इवेल्युएट करिए. शायद आप ये कह रहे हैं करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या है तो मैं ये बोलूंगा इसके लिए कि पहले एक अच्छे प्रोजेक्ट से सिलेक्ट करने से जरूरी है कि एक अच्छा ब्रोकर आप सिलेक्ट करें. सही बात, अदरवाइज आपकी पूरी जो स्टेज वन है अगर आपकी अगर वही गलत हुई, आपकी नींव ही गलत है, तो उस पर जो आपका स्ट्रक्चर खड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली गलत हो गई होगा. एक चीज और मैं आपको बीच में पूछ रहा हूँ इस पूरा फ्लो चार्ट के बीच में, मान लीजिए अगर हम लोग बीइंग एनआरआई, जैसे आप एनआरआई हैं, आप गूगल पे या फिर जैसे मैं रिव्यू कर रहा हूँ बहुत सी जगहों पे और पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, क्यों ना चीज़ें डायरेक्ट की जाए. मतलब आपको अगर भरोसा है कि मुझे इस लोकेशन में करना है, आपका होमवर्क थोड़ा बढ़ जाएगा अगर आप डायरेक्ट करें तो फिर क्या दिक्कत, क्योंकि वो तो आप बिल्डर से आप सारे ट्रांजेक्शन करेंगे, सारी बातें करेंगे, उसमें समस्या क्या आएगी. इसमें देखिए मेन चीज़ क्या होती है इन सब चीज़ों के अंदर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन आज की तारीख में रेडिली अवेलेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है. विद द डिजिटल इंडिया कमिंग, डिजिटलाइजेशन होना है, लोगों का ईजी एक्सेस टू इंटरनेट है और पब्लिक सोशल साइट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि लोगों के बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारी रियल एस्टेट वेबसाइट्स हैं, तो डेटा इज अवेलेबल. बट सबसे इम्पोर्टेंट है उस डेटा को एनालाइज करना और आप किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो कभी कभी ये भी होता है कि लोगों के पास डेटा है एंड इट टेक्स यू टू अ रॉन्ग डायरेक्शन. ओके, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई उस डेटा को किसी ने बहुत थरोली एनालाइज किया हो, डीप उसमें जाके उसने इस डेटा को पढ़ा हो और एक्चुअली उस डेटा से क्या मैसेज आना चाहिए, क्रिस्प मैसेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कभी कभी इसमें क्या होता है कि ज़रूरी होती है हमारे लिए कि हमें एक ऐसा व्यक्ति मिले जो ज़मीन पे, जिससे हम इस डेटा को वैलिडेट कर सकें कि जो इन्फॉर्मेशन नेट पे है क्या वो सही है, क्या ये जेन्युइन है. बहुत बड़ी पॉइंट है ये, बिल्कुल. आप मतलब पहले आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है पर वो सच में ऐसा है क्या, है कि नहीं है, ये न्यूज़ भी करेक्ट है कि नहीं. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आज आप किसी भी प्रॉपर्टी के लिए किसी भी वेबसाइट पर जाइए, जैसे कि मैजिक ट्रिक्स है और जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, तो आपको उन वेबसाइट्स पे सेम प्रॉपर्टी, सेम स्ट्रक्चर, सेम फ्लैट का 4 से 5 प्राइस मिलेंगे और वो सारे प्राइजेस में देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ मोर देन 10 or 20%. फिर जब आप कॉन्टेक्ट करते हैं उसमें आप आगे बढ़ते हैं तो दे विल स्टार्ट एडिंग लॉट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनली व्हेन यू एनालाइज देम यू विल फाइंड दैट ऑल आर ऑन द सेम प्राइस. तो वो जो डिफरेंस दिख रहा है एक्चुअली वो सिर्फ हमारे लिए स्क्रीन पे दिख रहा है. ओके, आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन उसका जब आप फर्दर जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो फेक थी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता जाता है एंड यू स्टार्ट गेटिंग मोर कन्फ्यूज्ड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, अब इस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज करें वो भी बहुत ज़रूरी है. इसको हम कैसे एनालिसिस करें और उस एनालिसिस करने के पहले क्या इन्फॉर्मेशन जेन्युइन भी है कि नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है. ट्रू, क्योंकि एक चीज़ है रियल एस्टेट के अंदर जो सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है अदर इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले, जैसे कि आप गोल्ड, शेयर मार्केट, अदर इन्वेस्टमेंट लेंगे, तो रियल एस्टेट में
बहुत छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक लिटिगेशन भी होते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आते ही नहीं है, वो सिर्फ जो ग्राउंड पे लोग रह रहे हैं उस एरिया के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को पता होता है। True. तो ये बहुत जरूरी है कि एक आपका ट्रस्टेड ब्रोकर हो जिसको उस एरिया का पूरा नॉलेज हो। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि वी शुड नॉट गो विद बिग ब्रोकर्स जो ये दावा करते हैं कि हमारे लिए पूरी कंट्री के बारे में या पूरे स्टेट के बारे में नॉलेज है। आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू गो विद अ ब्रोकर हु वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक रीजन, फोकस ऑन अ स्पेसिफिक रीजन एंड ही नोज ईच एंड एवरी स्मॉल पॉइंट ऑफ दैट रीजन, मतलब जिससे कि आपको सारी चीजें मिल सके मुझे सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से मिल सके तो मुझे अलग अलग जगह जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक बात है। मान लीजिए आपका ये असेसमेंट करते हुए आपने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली, व्हाट नेक्स्ट? आप बाहर रह के और क्या ऐसा जानना चाहते हैं या क्या आपके मन में ऐसी दुविधा रहती है जिससे कि आप चाहते कि बिना उस जगह पे जाए, मतलब इंडिया बिना आए आप वहीं से सॉल्व कर लें, ऐसी क्या चीजें? देखिए क्या था, अभी जो हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो इसमें कुछ 4 या 5 की पैरामीटर्स जो मुझे लगता है। पहला पैरामीटर है कि जिस जगह पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके आसपास की लोकेलिटी कैसी है, क्या आसपास वहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, नियर बाय हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, क्या वहाँ पे फूड जॉइंट्स हैं आसपास, तो आसपास क्या अदर एंसिलरी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये पहला चीज़ होता है। दूसरा चीज़ होता है मुझे ये जानना होता है कि इस प्रॉपर्टी में क्या कोई लीगल लिटिगेशन चल रहे हैं या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी लीगल लिटिगेशन कमिंग अप इन फ्यूचर, एक वो होता है। क्योंकि मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, सर ने बड़ी अच्छी पॉइंट कही, क्या इसमें कुछ लिटिगेशन है या लिटिगेशन आने के कोई चांसेस हैं? क्योंकि लिटिगेशन अगर आता है तो रेरा में बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जिसके बिहाफ पे पोजीशन टाइमलाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है। ये क्लॉजेज बिल्डर को दिए जाते हैं क्योंकि वो चीज़ें बिल्डर के हाथ में नहीं है कि वो अपने लेवल पे सही टाइम पे पोजीशन दे। अगर वैसी कुछ स्थिति आती है तो अपने पोजीशन को 1 से 2 साल 3 साल तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सर ने जो ये पॉइंट कहा कि आप लिटिगेशन को जरूर ध्यान में रखिए और नेचर ऑफ लिटिगेशन क्या है, कि वो माइनर है या फिर वो ज़्यादा सीवियरिटी में है, क्योंकि अगर वो सीवियरिटी में है तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पोजीशन 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया तो आप स्टक हो जाएंगे, आपकी EMI तो जाती रहेगी। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, हम नाम नहीं लेंगे, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट को कवर भी किया है, आगे आने वाले समय में भी कवर करेंगे। सर फटाफट, आपके पास भी समय कम है और मैम शायद मुझे मनी मन गालियां ना दे रही हूँ, वैसे नहीं दे रही होंगी कि छोटे नवाब सात्विक जी जिनका नाम लिया वो बाहर हैं उनके लिए एक जन लगे हुए हैं, तो मैं फटाफट एक दो चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि खत्म होने वाले। और जो मेरा लास्ट पॉइंट था, पहला था हमने बोला कि आसपास जो नियर बाई एरिया है वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, दूसरा जो मैंने बोला कि एनी लीगल लिटिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है कि नहीं, और जो तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि ऐसे अगर आप देखेंगे न्यूज़ में भी तो काफ़ी सारे बड़े बड़े नामी बिल्डर, लिस्टेड बिल्डर हैं जिनको अपने बिजनेस बंद करने पड़ गए। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, आप नोएडा में देखेंगे, काफ़ी सारे डीएलएफ है, बहुत सारे बिल्डर हैं। तो हो सकता है कि ऑन पेपर दे आर वेरी बिग, बट इंटरनली ऑन लोकल लेवल सम इश्यूज आर गोइंग ऑन, वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर, जो लोकल न्यूज़ पेपर में आते हैं। या हो सकता है कि उनके कुछ आने वाले ऐसे केसेस हों पेंडिंग जो उन पर आगे वो होना हो, डिस्कशन होना हो, और उनका इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट पे आए, वी डोंट नो। ट्रू। एंड ऑल दिस थिंग्स नॉर्मली वी डोंट फाइंड ऑन वेबसाइट्स एंड ऑल दैट, सो फॉर दिस वी नीड अ लोकल पर्सन हु इज ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड पे हो और उसको इस सब की जानकारी हो। बिल्कुल, और मैं आप सभी को ये वादा करता हूँ कि समय समय पर ये सारी जानकारी आप लोगों तक मैं जरूर लाता रहूँगा, बिना डरे बिना थमे, उसमें बहुत सारी समस्याएं उसको दरकिनार करते हुए ये सारी जानकारी आप लोगों तक आएगी। सर मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या लगता है आपको जो और ऐड करना चाहिए, जिससे आप इतने दूर बैठे हैं वो भी चीज़ आपको मिले तो बहुत अच्छा हो, और वो सारा फ़ायदा हो सकता है इंडिया में बैठे बायर को भी, व्यूअर को भी फ़ायदा मिले और जो बाहर हैं उन्हें तो मिलेगा ही, ऐसा क्या हो सकता है जो हम कवर करें? और देखिए अभी क्या हो गया है कि जो मार्केट है वो अब एक सीमा में बांधना बहुत मुश्किल है, नाउ इट हैज ओपनड अप। तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग कुछ एक सीमा में बंद ऐसे नहीं है कि इस शहर के अंदर है या एक प्रदेश के अंदर है या एक देश के अंदर है, आजकल लोग अलग अलग जगहों से लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेनली सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि सौदागर का जो मेन बेनिफिट मुझे रहा और मुझे लगा कि ये आपको ग्राउंड रियलिटी बताता है,
ये आपको प्रोजेक्ट के आसपास की कनेक्टिविटी बताता है, तो ये सब इसके बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहे और बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहे। थैंक यू सो मच सर। और जैसे एक पॉइंट है कि आपने एक जगह अपनी गाड़ी में भी शूट किया है जहाँ पे आपने रोड बताया है कि ये इस रोड से, इस सिग्नल से यहाँ पे जो पूरा रोड जो प्रॉपर्टी तक जाता है वो आपने बताया, तो उससे मुझे इनका ये आइडिया होता है कि वहाँ पे रोड कैसा है, कच्चा रास्ता है, प्रॉपर रोड है, आसपास का वहाँ पे समझ में आता है कि कैसी एंट्री है, आसपास क्या है। वेरी गुड, मतलब अब इससे और कवर करेंगे और मतलब जमीनी हकीकत और कवर किया है। और दूसरी चीज जो आपने पूछा कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हाँ, क्या और ऐड करें जिससे आप लोगों को भी फायदा हो और बाकी लोग भी उनसे बेनिफिट ले सकें। तो इसमें मैं ये चाहूंगा कि आप जो दो चीजें मुझे लगता है इसमें ऐड करें, जो मैंने अभी अपने डिस्कशन में भी आपको बताई कि थोड़ा सा इसमें आप बिल्डर्स का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी आप अगर कुछ एक वीडियो बना सके कि बिल्डर ने किस ईयर में चालू किया था कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस में आना, कैसे उसने डिलीवर करना चालू किया और अभी तक के समय में उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं और आगे वो कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाला है, जिससे क्या होता है हमें पूरा बिल्डर का भी बैकग्राउंड पता चलता है। ओके, वो एक चीज़ है। और जो दूसरी चीज़ है वो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के 1 किलोमीटर रेडियस में जी क्या और दूसरे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, क्या एजुकेशन हब आ रहे हैं या क्या और न्यू फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं, मार्केट स्पेस, ये सारी चीजें मार्केट स्पेस वगैरह आ सकती है। बहुत बहुत अच्छा ये फीडबैक है, क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे हम लोग जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो डेफिनेटली अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है वो आने 1 या 2 साल बाद मिलने वाली है। तो 2 साल या 3 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। तो जो इन्वेस्टर होता है या जो पर्सन जो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका ये होता है कि जब ये प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी उस वक्त वो लोकेशन कैसी होगी, मतलब क्या क्या प्रपोज्ड है वो बन के तैयार होगा साथ में, तो कैसा रहेगा। बहुत अच्छा फीडबैक, बिल्कुल, मतलब ये मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को कवर किया जाए। और कुछ बस यही, बाकी तो मैं कहते सब अच्छा है और तो बिकॉज हम लोगों ने जो ये किया है यहाँ पे और हमें सुधार क्या करना चाहिए ये भी बता दीजिए, कुछ एक चीज़ें जो हम लोग इम्प्रूव कर सकें। नहीं, आपका देखिए डेफिनेटली आपके जो वीडियोज हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, उसमें तो मेरे हिसाब से ना सिर्फ मुझे बल्कि जो और भी दूसरे व्यूअर्स हैं किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आई फुली एग्री विद दैट। और इंफॉर्मेटिव के साथ साथ हेल्पफुल भी हैं। और दूसरी चीज जो मैंने आपसे मिल रहा हूँ अभी और जो आपने मुझे लास्ट 2 दिनों से टाइम दिया हुआ है सुबह से लेकर शाम तक का, तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, मतलब जो मेरे मन में है या जो मैं सोचता हूँ कि आपका जो सर्विसेज हैं ये सिर्फ प्रॉपर्टी दिलाने तक ही नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी जो एक व्यक्ति को चाहिए होती है सर्विसेज, स्पेशली पीपल लाइक अस हु डजंट बिलोंग टू पुणे, सो वी वांट समबडी हु कैन हेल्प अस गो अराउंड, फाइंड आउट थिंग्स एंड ऑल दैट, सो दैट इज वन ऑफ द एडेड एडवांटेज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। सो साथियों, ये प्रोत्साहन की लाइनों के साथ साथ मैं गदगद हूँ और धन्यवाद ही है एक शब्द जो आप सबको दिया जा सकता है, आप लोगों का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद साथ में है तो बाकी चीज़ें आसानी से चलेंगी। कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए और ऐसी ज़मीनी हकीकत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सर ने भी बताई और आप लोगों के सामने लगातार लाता रहूँ, वो कितनी भी मुश्किलों से भरी हो, कैसी हो, वो ध्यान में ना रखते हुए आपकी मदद कैसे की जा सकती है इसको लक्ष्य बना के आप लोगों के सामने लगातार हम लोग आते रहेंगे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। रियल एस्टेट की तमाम जानकारियों को लगातार पाने के लिए सौदाघर को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए हुए वीडियो लिंक को आप क्लिक करके बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं।